शेप कटिंग के लिए हमारी पोजीशन बहुत काउंट करती है, ठीक है। कट आप किस जगह पर खड़े होके किस तरीके से कर रहे हैं, स्टैंडिंग पोजीशन हेयर कटिंग में काउंट करती है। लेंथ मेंटेन करने के लिए, बैलेंस कट रखने के लिए आपकी स्टैंडिंग पोजीशन हमेशा कट के ऑपोजिट साइड पर होनी चाहिए। और मोस्टली मैं जो कट करती हूँ, मैं ज़्यादातर कट जो है वो फ्रंट की तरफ करती हूँ, फ्रंट की तरफ खड़े होके। आपके सामने क्लाइंट का फेस होता है, आप उसके अकॉर्डिंग कट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बैक पे खड़े होके भी आप करते हैं, लेकिन बैक पे आप ज़्यादातर अगर आपके स्टेप्स में देना हो कट को, तो उसके साथ आप करेंगे, ठीक है। फ्रंट का कट सामने की साइड का हमेशा कोशिश करें फ्रंट की तरफ आकर करें। तीन पोर्शंस में मैंने सर को जो है वो डिवाइड किया है। सर के हिस्सों के जब हमने डिवाइड करना है तो इनको हम करते हैं नामों में, ठीक है। किस तरह से, सर के हिस्सों के नाम क्या हैं, जब हम इस पोर्शन को देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा सर का है क्राउन एरिया, ठीक है। इसको तो हम क्राउन कहते हैं। इसके बाद ये जो एरिया है गर्दन के नीचे का, गर्दन से ऊपर ये सारा पोर्शन जो है इसको हम कहते हैं नेप, नेप एरिया, ठीक है। नेप एरिया, क्राउन एरिया, और ये एक पोर्शन है सर का यहाँ से क्राउन और नेप के दरमियान, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ईयर तक पूरा जाता है। इस पोर्शन को सर का सबसे ये लंबा हिस्सा, ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबा हिस्सा है, इसको बोला जाता है ओसिपिटस, ओसिपिटस, ठीक है। ओसिपिटस पे हमारा जो मेन कट का जो हमारा मेन है ना सारा, वो यहाँ ओसिपिटस पे आता है। फ्रंट का कट जरूर हमारा क्राउन से थोड़ा सा आता है, साइड में आता है, लेकिन हमारा जो हेयर कट है वो मेन पोर्शन यहाँ पर होता है। क्यों? नेप एरिया की अक्सर आप लोग अगर चेक करते हैं तो उसकी लेंथ हमारे ओसिपिटस से थोड़ी शॉर्ट होती है। स्पेशली जो लोग कैचअप्स लगाते हैं, बालों को फोल्ड करके लगाती हैं, उनकी अक्सर लेडीज की ये लेंथ नीचे की शॉर्ट होती है और ऊपर की लेंथ जो है वो लंबी होती है, ठीक है ना। तो मेन कट हमारा इस पोर्शन पे आता है, यहाँ से हमारा कट जो है वो एक्सप्लेन होता है। ये देखिए नेप एरिया मैंने सिर्फ अभी लूँ, और यहाँ से मैं इसमें गाइडलाइन लूँगी, इसकी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये कट मैंने आपको बताया लाइट सा, मैं ए लाइन दूंगी, तो मैं यहाँ से इसमें कट जो है स्टार्ट करूँगी पीछे सेंटर से। अच्छा, कट करने का भी हमारा कैंची चलाने का भी तरीका होता है। स्कैल्प के बालों को उठा के इस तरफ, ठीक है, और कट इस तरह से नहीं होगा, कट हमेशा इस तरह से ऊपर की तरफ, नहीं ऊपर की तरफ करें या आप नीचे की तरफ करें, लेकिन पूरा स्ट्रेट आप नहीं करेंगे कट। इस तरह से बालों को पकड़ के यूं नहीं काटेंगे कपड़े की तरह, ठीक है। आप कैंची के साथ, किनारे के साथ इस तरह से कट करेंगे। इसको कहते हैं नॉचिंग, ये नॉचिंग है। एक सेकेंड, ठीक है, ये लाइट सा मैंने उसमें दिया है, बहुत डीप नहीं है, ये नॉचिंग है। यहाँ से मैंने इसकी गाइडलाइन स्टार्ट की है। अगर मैं पीछे आऊंगी तो आपको बिल्कुल नहीं आइडिया होगा। उसी गाइडलाइन पर उससे सिर्फ एक डेढ़ सेंटीमीटर लंबा रखते हैं, उसी गाइडलाइन पर। जी उससे थोड़ा सा लंबा रखा है, बॉब में देना है ना, बॉब के लिए ऊपर वाले को आप एक सेंटीमीटर लंबा रखेंगे। अगर आप उसके बराबर रखेंगी
तो एंड रिजल्ट क्या होगा, जब आपका जो क्लाइंट है उसको बालों को अपने हमेशा सेट करना पड़ेगा, उसका बाल कभी भी अपने आप नेचुरली फोल्ड नहीं होगा अंदर की तरफ। अगर आपको प्रॉपर चाहिए ना कि बॉब की लुक, तो यूं अपने आप बाल टर्न करने अंदर की तरफ, आपका क्लाइंट हर वक्त वो सेट नहीं कर सकती है, तो आप ऊपर वाले सेक्शन को नीचे वाले से 1 सेंटीमीटर सिर्फ आप लंबा, यहाँ के बालों को उठा के जब मैं ये देखें यहाँ लाती हूँ ना, यहाँ ये देखें तो सीक्वेंस में आते हैं, यहाँ के बालों को उठा के जब मैं इस तरफ लेकर आती हूँ तो ये सीक्वेंस में आता है। फाइनल जो हम इसका चेक करेंगे जिस वक्त मैं ब्लो ड्राई करती हूँ, ब्लो ड्राई करते हुए फिर ड्राई बालों में, ठीक है, तो आपने ये करके अब बारी है फ्रंट की। अब अगर इसके मैं फ्रंट की तरफ जाती हूँ, फ्रंट ऑलरेडी कटा हुआ क्लाइंट का, ठीक है, अब हमारे यहाँ मोस्टली लेडीज का ये होता है कि ये आगे से यू लेयर हल्की फुल्की काटी हुई होती है, इसको भी हमें एडजस्ट करना है और आपको ए लाइन भी रखना है, तो ये कट हमेशा हमें डिस्टर्ब करता है। ए लाइन करते करते हम लोग क्या करते हैं, जो ब्यूटिशियंस करती हैं गलती, कि ये यहाँ पर है ना फ्रंट, तो फिर यहाँ से उसको बताते हैं क्लाइंट को, अब तुम्हारा फ्रंट है ही इतना, तो ए लाइन तो उससे ऊपर ही जाएगा, तो उसका ये होता है यहाँ से ए लाइन शुरू किया, करते करते वो बिल्कुल यहाँ पर चला जाता है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसी शेप को, इस तरह से हम इसको नहीं छेड़े फिलहाल, ठीक है, आगे से थोड़ा सा हम इसी तरह से रखेंगे इसको, मैं सॉलिड कट अगर आपने देखा हो हल्का सा, मैं सॉलिड स्ट्रेट में इसको शेप दे दूंगी, ये मर्ज हो जाएगा इसके साथ, और बाकी इससे पीछे तक हमने जो है वो कट अपना ए लाइन रखना है, इसको हमने सिर्फ साथ में मर्ज करना है। यहाँ से अब बालों को ना उठाने के लिए लेंथ को जब आपने मेंटेन करना है, क्लाइंट को लेंथ शॉर्ट नहीं चाहिए, आप 0 के एंगल पे बाल लेंगे, यूं ला के कट करें, अगर क्लाइंट को थोड़े से उसमें स्टेप्स चाहिए, थोड़ी उसको चाहिए कि मुझे इसमें प्रॉपर मेरे लेयर्स की तरह से नजर आए, स्टेप्स नजर आए, तो हम इस कट को यूं ऊपर की तरफ उठा के बालों को ला सकते हैं, लेकिन हमें लेंथ यहाँ पर फ्रंट की इसकी मेंटेन करनी है, फ्रंट शॉर्ट बिल्कुल नहीं चाहिए क्लाइंट को, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल 0 पे उसको रख के आप करेंगे, इसी तरह इस जगह से यही ए लाइन प्रैक्टिस आप शॉर्ट हेयर में भी कर सकते हैं, जिनको शॉर्ट में यहाँ से प्रॉपर ए लाइन यहाँ तक चाहिए ना, तरीकाकार यही सेम होगा सारा, इसका नहीं छेड़ा है बिल्कुल भी। अब ये पीछे से देखने में तो हमें यूं लग रहा है ना, लेकिन क्या है जब ये खोलते हैं बालों को, जब ये खोलेंगी ये कट मोस्टली स्ट्रेट वालों में अच्छा लगता है, खोल के जब ये स्ट्रेट रखेंगी तो इस तरह से फ्रंट पे की ये लेंथ आएगी, ठीक है। अब इसको जो मैंने आपको बताया था कि फ्रंट पे थोड़ी सी लेयर्स हैं, इसको हमें सॉलिड स्ट्रेट में इसके साथ सेट करना है, उसको हल्का सा सिर्फ मैंने साथ में ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग किस तरह होगी, बस उसको उसी शेप में हमने ब्लेंड कर देना है, लेकिन वो एक स्ट्रैंड जो था उसके साथ ब्लेंड हो गया।